थाना में हम गनी तो थाना हमरा से कहता कि आप जाइएगा द्वार पर तो थाना के खर्चा दीजिएगा, हम चलें किसी को हम लोग रोड पर चलने नहीं देंगे, ईटा पत्थर चला के सबका कपाट फाड़ देंगे। दारू दारू चिल्लाते हैं, नीतीश सरकार की दारू बंद कर दिया है और दारू उनके दादा के यहाँ बंद हुआ है, ये सब को सुनवाई नहीं दे रहा है उनको, खाली महिला को जागरूक कर देते, दारू बंद हो गया दारू बंद हो गया, कहाँ दारू बंद है, जब दारू का वेंडर नहीं बंद करवाते हैं तब ना लोग खरीद कर बेच रहा है, तब ना इतना पब्लिक मर रहा है, और जिसका मर रहा है वो उसको ना दर्द है, उसका क्या दर्द है, वो तो अपना बैठा हुआ है घर में, बताइए बच्चा का मौजा सरकार को देना पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो बहुत हल्फा होगा, सरकार तक हम लोग पहुँचेंगे और उसको जो करना है सो करेंगे, यहाँ पे किसी को रोड से हम लोग चलने नहीं देंगे। अभी हम मढ़ौड़ा अमनौर के कर्णपुरा गांव में है और यहाँ पे एक व्यक्ति की शराब जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है। प्रशासन ने इसे पहले बताया कि ठंड लगने की वजह से उनकी मौत हुई है, बाकी हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये जानेंगे कि उनकी आखिर मौत जो है कैसे हुई है। डायरेक्ट हम उनकी पत्नी से ही पूछेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई थी उनकी मौत जो है, कब हुई रही? 5 बजे भोर से 2 बजे तक उल्टी भइल बा, 2 बजे हमनी के सरकारी हॉस्पिटल में ले गनी सर, वहाँ से सुई दवाई कोई लकलो रेफर कर दिलकलो छपरा सदर हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में ले गनी सर, बस वही में गाज भी के मर गई, वहाँ से रेफर करत रहे पटना, तब निके वही में मर गलन सदर हॉस्पिटल में, बस लेके चलनी सर घर अला से। हमरा 5 गो लड़का, 3 गो लड़का, 2 गो लड़की, सबसे छोटा लड़का है ना, सबसे बड़ा लड़का है, सबसे छोटा लड़का है माझी लाए, हाँ बड़ी लड़की है, शादी के दिन धैले बनी, शादी के 1 महीना के बाद शादी के दिन रोलो एक काट के काम करत रह, 400 रुपया कमात रहन, अपन बाल बच्चा खियात रहनी खात रहनी, वही में रहनी अपन, एगो ए लड़की छोटा लड़की बारी हमार, एकर शादी फिर हुआ कैसे करे आए, अब एकर शादी लड़की कैसे करे, हमरा के दी लोगन की शादी करी, हम कहाँ से करम, हमरा बा जे हम से हमरा के के देवे वाला बा, बताई कि हम शादी करी, हमरा के दी लोगन रउआ लो सरकार काहे लबानी लोगन दी, हमरा के लड़की के शादी करी, परवस्ती हमनी के केंगा होई, बड़ बेटा हुए लोग हमनी के देख ली यार, कौन हमनी के जी जन सब बताई जाओगा, अरे कुक तक उसे सब हमनी के खराब हो, वही दिन से जवान बेटा सब जवान बेटा सब माटी लगा खुद में बानवर के पोसानी हो, अल्लाह का मैं पोता पोती कैसे पोसाई है मार, बुरा बुरी हमनी के कुक तक कुत्ता ऐसा हो गई नहीं जन, पांच गो लड़का लेके हम केकरा लगे जाई, पहले ये आप बताइए हमरा से, हमरा कोनो आधार नहीं है, इतना लोग खड़ा है, बताइए हमारा कौन है अपन, बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, 5 गो बच्चा लेकर, 3 गो लड़का, 2 गो लड़की, 5 गो लड़का, एगो हम छुए में, बताइए माई बहन, बड़ा वाला जो लड़का है कितना साल के बाद, 10 साल के बाद, हम के दी हमनी के रउआ लो सरकार बनी लो हमने के दी लोग के, जब अपन बाल बच्चा खियाएम रहेम, हमरा के पैसा दी लो, हमरा के नौकरी चाकरी लगाई लो, जब अपना लड़का बच्चा के अपना पोसम खियाएम कमा के, हम शराब पी के आइल रहनी, हाँ दारू पी के आइल रहन मर गई लो, कहाँ से, गाँव में से, हाँ भूलन माझी लगे से, मर गलन भूलन पिया दलन मर गलन, तब हमारा बेटा पूछल अथी माई के मरल हती, हमारे पतो कहलक भूलन माझी मर गल, जब बेचात रहे जब जब दारू बेचात रहे जा के लोग केहू कम्प्लेन ना कइल, सब कम्प्लेन भइल बा सर, यहाँ बा जीव काली कम्प्लेन भइल रहे, कबो कई बार कम्प्लेन हो चुकल बा, पकड़ा के गइल बरन भूलन माझी, और थाना क्या करता है कि लेकर जाता है और ले जाकर और जेब में पैसा पड़ा और उसको छोड़ देता है, रोगो कहा था नहीं कंप्लेन के लिए, हाँ हम तो गए रही थी थाना में, वहाँ भूलन माझी दारू बेचत रहलन, हमारा आदमी गए रस पिए, तो हम कहनी कि रोगा बेचा था नहीं, रोगा पिया करके बिटोरा था नहीं, तो कहा था रन कि जा, तो हम कहनी जाता नहीं, हम थाना में तो कहा था रन जा कह दिया, जब थाना में हम गनी तो थाना हमरा से कहा था कि आप जाइएगा द्वार पर तो थाना के खर्चा दीजिएगा, हम चलें, मैंने द्वार पे जब थाना आई, हाँ तो खर्चा, हाँ हमरा से खर्चा थाना
मत रहे बताइए हम कम्प्लेन। हाँ हम अति भूलन माझी पर तो थाना हमरा से खर्चा मांगत रहे तुम चल आई बताई हमरा अपना के बाद हम थाना में खर्चा दी बताई हम कहाँ से खर्चा दी थाना हमरा से उल्टा में खर्चा मांगता। समझिए बात को आप, एक आदमी मर गया खाली इसलिए कि एक जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनकी कुंठा के वजह से वो हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह सके कि हमने दारू बंद की है, बाकी व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से दारू बंद की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने ही दारू बिकता है और जब कोई कंप्लेन करने जाता है तो जो यहाँ की पुलिसिया फौज है, निकम्मी पुलिसिया फौज है, ये कहती है कि हम आपके दरवाजे पर तब आएंगे जब आप पुलिस का खर्च देंगी। अब आप एक बात बताइए कि गरीब आदमी जो डेली का 300-400 रुपये कमाता है उसकी पत्नी अगर कंप्लेन करने जाए कि यहाँ पे दारू बिकता है, एक तो वो हिम्मत करके थाने तक पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद पुलिसिया फौज जो है, निकम्मी पुलिसिया फौज है, जो हमारे सरकार की निकम्मी पुलिसिया फौज है, वो ये कहती है कि हमें खर्च चाहिए तब हम आपके दरवाजे पे आएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जब भी कोई पत्रकार ये सवाल पूछता है नीतीश चचा से हमारे कि आपने दारू क्यों बंद किया है, क्योंकि दारू बंद होने के वजह से गांव में लोग खुद से दारू बनाते हैं और बेचते हैं जिससे वो जहरीली हो जाती है और लोग मरते हैं, तब वो कहते हैं कि महिलाओं के आह्वान पे, महिलाओं के कहने पे हमने दारू को बंद किया है। अब पूछने वाली बात ये है कि किन महिलाओं की वो बात करते हैं, क्या ये महिला ने कहा था कि दारू बंद करें? अगर दारू नहीं बंद हुआ होता, अगर दारू बंद होने के बाद उसे सही से लागू कर दी गई होती, कहीं दारू नहीं मिल रहा होता, उस पर पुलिसिया फौज जो है सही से रोकथाम कर दी होती, एक्शन ले ली होती, यहाँ जो दारू बिक रहा था उसे रोक दी गई होती, तो शायद ये घटना नहीं घटती। आज ये जो छोटे 5-5 बच्चे हैं इनकी रखवाली कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। एक महीने बाद इनकी बेटी की शादी है, फरवरी में इन्होंने बेटी की शादी का दिन रखा था और एक महीने पहले ही वो पिता चल बसा। अब ये सोचने वाली बात है कि उस बेटी की शादी कैसे होगी। कौन है जी आपकी लड़की जिसकी शादी थी? बड़ी बेटी है, शिल्पी नाम है, शिल्पी, हाँ शिल्पी नाम है, उनके शादी है एक अगला महीना में 18 को 19 के बारात 18 के मटकोर। ये लड़का जो है बच्चे में सबसे बड़ा है, इसकी उम्र अभी 10 साल है, इसके वस्त्र देख के आप समझ सकते हैं कि ये उनका बड़ा बेटा है और इसी ने अपने पिता की मुखाग्नि दी है। इस बच्चे को अभी ठीक से पता भी नहीं होता है कि मृत्यु क्या होती है, इसे अभी ठीक से नहीं पता है कि इसके पिता मर चुके हैं, अभी इसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि शायद इसके पिता को अब ये कभी देख नहीं पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन जो घमंडी सरकार है वो अपने घमंड में चूर है, अपने छोटी सी कुंठा के वजह से लोगों को लगातार मार रही है। एक बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग पिता है, जो पुत्र के मौत के बाद से ही उठ नहीं पाए हैं क्योंकि उन्हें अपने पुत्र का दुख है। लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं पाएगी, नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपनी कुंठा के लिए लोगों को मार रहे हैं। बाकी यहाँ के जो नेतागण हैं किस प्रकार से इस परिवार की मदद करने हैं करती है वो देखने वाली बात है। यहाँ की सरकार जो है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, वो किस प्रकार से इस परिवार की मदद करते हैं, हम बस इसी के इंतजार में हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार शर्मा। कैसे मौत हुआ है इनका? मौत हुआ है दारू पीने से। यहाँ तो लोग कह रहा था कि ठंडा लगने से शुरू में। नहीं, ठंडा लगने से इनका मृत्यु नहीं हुआ है, इनका मृत्यु दारू पीने से हुआ है। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ हम पढ़े लिखे हैं। तो जब दारू बिक रहा था तो काहे नहीं कंप्लेन किए? तो हम अकेले कंप्लेन करने जाएंगे थाना में तो वो गुप्त नंबर से जो कॉल करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो लापरवाही है उनके जो दारू बेचते हैं वो हमसे झगड़ा तकरार कर ले, फिर पुलिस प्रशासन नहीं समझेगी हमारी बात, तो हम क्या करने कंप्लेन। महिला जो थी वो चली गई कंप्लेन करने, आप लोग काहे नहीं गए? हम नहीं गए इसलिए कि वो दारू पीते थे और यहाँ का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो समझते हैं बात ही नहीं समझते हैं कि क्या करना है, कब कंप्लेन करना है, क्या उस पर एक्शन करना है, हम क्या करेंगे। वो महिला कंप्लेन करने गई, उनका कंप्लेन नहीं सुनी, खुद पुलिस मांग रही थी उनसे पैसा कि पैसा दीजिएगा तो अब हम उसका कंप्लेन उस सुझाव करेंगे कुछ, हम क्या करेंगे उसमें। हम तो बस यही कहेंगे कि उस जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाल बच्चे हैं उनको कुछ सरकार से मुआवजा मिल जाए, यहाँ के पुलिस प्रशासन है आके जो देखे जो कोटा में राशन उशन मिलता है उसको लागू कर दे कि इन बच्चों का पालन पोषण चल जाए, और क्या इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं।
दारू बंद दारू बंद दारू बंद, सिर्फ सदन में चिल्ला देने से दारू बंद नहीं होगा। पुलिसिया फौज को एक्टिव होना पड़ेगा, और पुलिस फौज कितनी एक्टिव है आप समझ सकते हैं कि गांव का जब युवा जब औरतें जाती हैं कंप्लेन करने तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि पैसा दीजिए तब हम दरवाजे पे आएंगे और पुलिस को पकड़ेंगे। ये कितनी निकम्मी वाली बात है, कितनी शर्म वाली बात है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन बच्चों को मुआवजा मिलेगा आपको लगता है? हमको तो यही लगता है कि इन लोगों को मुआवजा मिल जाए, वही बस है। सरकार से हमें निवेदन है कि इन लोगों को मुआवजा मिले, जो मिलना चाहिए 20 लाख 25 लाख जितना का मांग हो उतना मिलना चाहिए। हम तो यही अनुरोध करेंगे, यहाँ से DM BDO CO जो भी हैं उनसे भी अनुरोध है कि इनको मुआवजा मिले, जो सरकार से जो फंड मिलता है वो भी फंड मिले इनको स्पेशल। अब हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, और नहीं मिलेगा तो अब उसके बाद हम क्या कार्रवाई करेंगे? हमसे कुछ होगा यहाँ पे कार्रवाई हमसे करने से? क्या चीज, अगर हम लोग को मुआवजा नहीं दीजिएगा ये बच्चे का पालन पोषण के लिए, लड़की का शादी के लिए, तो यहाँ SDO BDO को किसी को हम लोग रोड पर चलने नहीं देंगे। ईटा पत्थर चला कर सबका कपाट फाड़ देंगे। दारू दारू चिल्लाते हैं, नीतीश सरकार की दारू बंद कर दिया है और दारू उनके दादा के यहाँ बंद हुआ है, ये सब को सुनवाई नहीं दे रहा है उनको। खाली महिला को जागरूक कर देते, दारू बंद हो गया, दारू बंद हो गया, कहाँ दारू बंद है? जब दारू का वेंडर नहीं बंद करवाते हैं तब ना लोग खरीद कर बेच रहा है, तब ना इतना पब्लिक मर रहा है। और जिसका मर रहा है वो उसको ना दर्द है, उसका क्या दर्द है, वो तो अपना बैठा हुआ है घर में। बताइए बच्चा का मौजा सरकार को देना पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो बहुत हल्फा होगा। सरकार तक हम लोग पहुंचेंगे और उसको जो करना है सो करेंगे। यहाँ पे किसी को रोड से हम लोग चलने नहीं देंगे।